हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वह अखिल भारतीय पालीवाल जैन के लिए महासभा शाखा आगरा के लिए शमावनी के महापर्व पर आयोजन किया गया है, जहां सुबह 9 बजे से ही वह एडी जैन इंटर कॉलेज के हरि पवित्र में से वह कार्यक्रम किए गए हैं, जहां पर सुबह से लेकर आखिरी तक वह खेल कूद में से वह ड्राइंग प्रतिमा का सम्मान समारोह के लिए भजन त्याग व्यक्ति के सम्मान प्रति रात्रि के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस कड़ी में बच्चों को युवाओं महिलाओं के द्वारा ब्लड डोनेशन किया गया है, वहीं पर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है। मैं पंकज जैन जपराव क्षेत्र से और अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा का कार्यकारिणी सभा का सदस्य हूँ, और उसी के तत्वावधान में आज MD जैन इंटर कॉलेज में हमारा एक रक्तदान शिविर चल रहा है, और जो विगत 6 वर्षों से लगातार हम लोग लगाते आ रहे हैं, और प्रतिवर्ष हम 60 से 70 यूनिट ब्लड हम इसमें एकत्रित करके ब्लड बैंक को देते हैं, और इस वर्ष भी उम्मीद है कि हमें 60 से 70 यूनिट ब्लड एकत्रित हम कर पाएंगे, और हमारे सारी कार्यकर्ता जो हैं बहुत ही तन मन धन से सुबह से लगे हुए हैं, और सारी व्यवस्था पूरा रक्तदान जिनको देना है उनसे लेकर पूरा, और महिलाएं भी जुड़ गई, जिसमें महिलाएं बच्चे और पुरुषों ने भी बहुत बढ़ चढ़। शिवम जैन, राष्ट्रीय सह संयोजक जैन युवक मंडल। आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन दिया गया, युवाओं के लिए कैंप दिया जाते हैं जी, जैसा कि अभी भैया ने भी बताया, युवा इस ब्लड डोनेशन कैंप में भी युवा भी आगे चढ़ के बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है, और फिर हमारे समाज का सदैव 3 सिद्धांतों पर कार्य करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। हमारा हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि युवाओं की शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर समाज हमेशा चिंतन रही है, और हम सभी लोगों को ये मैसेज भी देते हैं कि समाज एक संगठन रूप से आगे बढ़ के चलती रहे, यदि हमारे युवाओं को कोई समस्या है या उनके शिक्षा में कोई परेशानी है तो समाज उनका सहायता करती है। साथ ही अभी प्रतिभा सम्मान समारोह के द्वारा उन युवाओं को उनकी प्रतिभा जो उनके अंदर है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स के अलावा अदर कोर्सेज में। विंजन, अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा का राष्ट्रीय IT सह संयोजक और आगरा शाखा का पूर्व मंत्री। आज ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर रक्त शिविर भी लगाया गया है, और भी कार्यक्रम हो रहे हैं सुबह से ही जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं जैन समाज को और अन्य समाज को? देखिए, ये बेसिकली जो है, जो हमारे 10 लक्षण पर्व के बाद क्षमावाड़ी पर्व आता है, उसके निमित्त ये सारा कार्यक्रम आयोजित होता है, तो इसमें क्षमावाड़ी के साथ साथ जो वृद्ध जन होते हैं जिनकी अपनी एक एज जो है 70 साल से ऊपर के हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं हम सब लोग पूरी समाज मिलके, और जिन लोगों ने 10 लक्षण पर्व में 10 दिन के व्रत किए होते हैं उन लोगों का सम्मान करते हैं हम लोग, और जो मेधावी बच्चे होते हैं उनका भी सम्मान करते हैं जिन्होंने हाई स्कूल इंटर में 70% या 75% से ऊपर अंक प्राप्त करे हैं उन लोगों का भी सम्मान करते हैं। बाकी सभी लोगों से पूरे वर्ष में जो जाने अनजाने में भूल होती है या गलतियां होती हैं उससे उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, एक तरीके से सभी का मिलने जुलने का कार्यक्रम हो जाता है। इस बहाने समाज के सभी लोग, बच्चे बूढ़े और जवान एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, समाज की आगे की रणनीतियाँ लगभग तय हो जाती हैं, आगे क्या कार्यक्रम पीछे हम कर चुके हैं और आगे की क्या योजना है वो भी एक लगभग एक थोड़ी सी योजना बन जाती है, और सबों का एक दूसरे से मिलना हो जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये रक्तदान शिविर भी करते हैं, जिससे कि पूरे साल सभी समाज के, जैन नहीं अपितु अन्य सभी समाज के लोगों को इस रक्तदान शिविर का। न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस।